और बेटे औरकुदस के नाम में आमीन मसीह खुदा अजीज बार बहनों फाद माहिर अजीज पेरिश प्रेस्टरी पेरिश फैसबाइस से आपकी खदमत में सलाम पेश करता हूँ आज पाक जुमा का रोजे अजीम है और मैं पाक जुमा की लतूरिया परूंगा क्या मुसीह मोमिन हम पाक जुमा को पाक क्यों कहते हैं हम पाक जुमा क्यों मनाते हैं अजीज बार बहनों पाक जुमा को पाक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे खुदा में सी ने अपनी सलीपी कुर्बानी अजियत और सलीबी मौत से हमें निजात बख्शी है खुदा जस्म सी के खून बहाने से हमारा खुदा बाप के साथ मिलाप हुआ हमें ग्रहों की माफ़ी और निजात मिली है पाक जुमा पाकिस् वजह से क्योंकि ये दिन सारी दुनिया के लोगों के लिए निजात और आज़ादी की बरकतें लेकर आया पाक जुमा के दिन हम खुदा जस्सम सी के दुखों और सलीबी अजियत की कहानी को पढ़ते और याद करते हैं और इसने हमारी निजात की खातर शलीभी मौत कबूल की वो मौत ताक बल्कि सलीभी मौत ताक फर्मा बरदार रहा खुदा मुजस्म सी ने तीन घंटे स्लीप पर जानकनी का दुख सह और ये कहकर जान दे दी कि अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं अजीज बार बहनों हम सी मोमन पाक जुमा का दिन मनाते हैं क्योंकि यह दिन हमारे खुदा में के दुखों अजियत और असली मौत की यादगारी का दिन है यह खुदा में के दफन होने का दिन है और इसलिए एक ख़ानदान की सूरत में सोग और मातम का दिन मनाती है पाक जुमा हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि ये हमें उम्मीद का पैगाम देता है कि इस स्लीप के जरिए से मसीह खुदावन ने हमारे लिए अबी जिंदगी हासिल की अज़ीज़ बार बहनों मजलस मेटिकन दोम के मुताबिक पाक जुमा खुदा यसम सिख के दुखों का दिन है रुजु के दौरान खुदा मुजसमसी के दुखों पर होश करने की तमाम रसूमात पाक जुमा को अपने अरूज पर पहुँचती हैं इस दिन खुदा मुस्सुमसी जो दुनिया का खालुक मालिक है और उसने अपनी कुर्बानी के जरिए से हमारा खुदा के साथ मलाप कराया और इस दिन खुदा ने अपने बेटे को दूसरों के गनाहों के बदले फिदिया में दे दिया मुकद जोहना रसूल फरमाती हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना अखलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए बार बहनों पाक जुमा को खुदा में जस्म सी वो हमारी खातर बहुत दुख उठाता है हमारी खातर मसरूब किया जाता है वो तीन घंटे स्लीपा रहा इस दौरान उसने बहुत सी ज़िस्मानी और जहनी अजियतों और दुखों का सामना किया और उसको बदतरीन ठट्ठों नाखुशगार तानों का निशाना बनाया गया और उसने बड़ी जुरत के साथ इन दुखों का सामना किया लाज उसने बदी का मकाल मोहब्बत से किया मुगज अगस्टिन फरमाते हैं कि यसम के दुखों और खून के वसीले से हमारे गुनाह धुल गए हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम बड़ी संजीदगी से यस्ु के इन दुखों पर दयानो ज्ञान करें अज़ीज़ बार बहनों सारी रात शहर जरूशलम से बाहर जैतून के पहाड़ के दामन में गस्सम ने में अजियत नाक जानकनी यहूदियों की महबी अदालत में महबी रहनमाओं से बेजती रोमिक वर्नर पलातूस के सामने किला में पेशी वहाँ मौजूद रोमी सिपाहियों और निगहबानों का ठट्ठा मजाक कोड़ों की मार सर पर कांटों का ताज फिर कंधों पर भारी स्लीप उठाए दुखों के मुश्किल से यहूदी और गैर यहूदी तमाशाहियों से भरपूर यरूशलेम शहर की गलियों से गुजरना शहर से बाहर खोपड़ी की जगह पर बदकारों के दरमियान सिलीप दिया जाना और ये सब पाक जुमा की अजियतनाक लेकर निजात बख्श यादें हैं मगर जुमा के दिन यरूशलेम यरूशलम काहनों रोम हकाम सिपाहियों के शुरगोल में कलवी के पहाड़ से यस्ु की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही थी एहबाब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये कहकर उसने जान दे दी अजीज बार बहनों अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार यसु मसी का स्लीपर मरना क्यों जरूरी था यसु का स्लीपर मरना और उसका एक सियासी पहलू था यसु की मौत का एक मजहबी पहलू था यसु की, की मौत का एक इलाही पहलू था यसु की मौत का सियासी पस मंजर अजीत बार बहनों खुदा यस्म सी फलस्तिन की धरती पर पैदा हुआ उस वक्त फ़लस्त पर रोमी हुकूमत थी रोमी हुकूमत यहूदियों में सख्त मुखालफत थी और बहुत सी यहूदी रोमी हुकूमत का तख्ता उलटने और इसराइल की बादशाही बहाल करने पर तुले हुए थे खुदा की तरफ से यसु नासिर के गांव से एक खूबसूरत नौजवान लीडर बनकर उभरा और जिसकी शोहरत तमाम इलाकों में फैल गई और बहुत से इसके शगिर बनने लगे और रोमी हुकूमत उसकी शोहरत को अपने लिए एक ख़तरा समझने लगे यसु की मौत का मजहबी पसे मंजर इस पर और फ्रीसी मजहब केमेदार होते थे जो बाज़ार लोगों के खैर खा थे फ़कीर शरीय के आलम जबकि फ्रीसी कनून के पास पासदार थे ये दोनों तबके बनसराइल कौम में बड़े असर रसूख के मालक थे शरीयत और कनून को ये लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे गरीब अवाम का एहताल हो रहा था यस्थ ने ऐसे मजहबी समाजी और श्रे ढांचे को तोड़ना चाहा खुदा यसुम सी लोगों को आज़ादी इंसाफ और अमन देना चाहते थे और उसको दुनिया में आने का मकसद भी यही था कि मस्किनों को खुशखबरी दे असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रहाई की बिशारत दे यसुषरे के रात के हुए लोगों के साथ था और जिनमें बीमार थे कोड़ी थे लंगड़े अंधे गरीब यतीम यसु की तोजा का मरकज थे यसु ने हर उस निज़ाम को ललकारा जो खुदा और इंसान की मोहब्बत से खाली था इन हालात में यसु के मुखालफ की इतद में दिन ब दिन अजाफा होता गया यसु पर अल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोगों को मुश्तल करता कि वो इकट्ठे होकर रोमी हुकूमत का तख्ता उलट दे इसलिए यसु की स्लीप पर तनजिया तौर पर यह किताबचा लगाया गया यसु यहूदियों का बादशाह के इसके अपनों ने झूठा नबी और गुस्ताख जानकर स्लीप पर लटका दिया यसु की स्लीपी मौत का इलाही मंसूबा। अजीज बार बहनों यसु मसी का स्लीप पर मरना एक इलाही मंसूबा था ताकि वो बाप की मर्जी पूरी करके दुनिया को निजात दे सके आखिर क्यों खुदा इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने कलौते बेटे को दुखों से कुचल कर दुनिया को निजात दे अज़ीज़ बार बहनों पाकलाम कलाम हमें बताता है कि हमारे पहले वालदेन बाग में खुदा की उन्होंने नाफरमानी की नाफरमानी के बावजूद खुदा बड़ी मोहब्बत से इंसान को अपने पास बुलाता रहा मगर इंसान नाहहें हमेशा उससे दूर होती रही, हमेशा इंसान खुदा से दूर होता गया पर खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और इसको बरक़त बख्शी और इसके बेटे से नवाजा और खुदा ने इसके बेटे की कुर्बानी का तकाजा किया और साह की कुर्बानी में खुदा ने अपने बेटे को दुनिया के निजात के लिए कुर्बानी करने का निशान ठहराया पुराने हजरामा में जो सबसे वाज निशान यस्ु की स्लीप का निशान मिलता है वो बियाबान में हथमूसा ने सांप को बुलंद किया जिसका ज़िक्र खुद खुदा यस्सुम सि ने योना की अंजील में किया और इस तरह ज़रूर है कि इंसान भी बुलंद किया जाए ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए अशा नबी के सिीफ़ा में लिखा है कि यस्ु मुसी के मुताबिक पैदा हुआ नविशतों के मुताबिक दुख उठाया और उसका मरना भी नवितों के मुताबिक हुआ यस ने खुद फरमाया मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं। बाप की मर्जी यह थी कि बेटा इंसानों को गुनाहों की कि दलदल से निकाले के लिए इसलिए भी मौत बर्दाश्त करें यौना इस्तबागी खुदा यसुम को खुदा का बर्रा कहकर पुकारता है देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है और वो बेटा था जिसको खुदा ने दुनिया के गुनाह उठाने वाला बर्रा ठहराया ताकि यस्म सी बथेरों के गुनाहों के बदला फिदिया दे ये तमाम हवाला जात एक ही बात पर जोर देते हैं कि यसु की सलीपी मौत खुदा की तरफ से निजात का वाद रास्ता और तयशुदा मनसूबा था अजीज बार बहनों यसु का स्लीप पर मरना किसी एक कौम ग्रोह तबके या नस्ल के लिए नहीं था बल्कि वो तो दुनिया का निजात हिंदा बनकर आया था यसु का दुनिया में आने का बुनियादी मकसद ही यही था कि स्लीप के जरिए से दुनिया को निजात दे इस यस्ू का उठने वाला हर कदम सिर्फ की तरफ बढ़ता था खुदा सी जानता था कि जो है को हरदीस ने मौत के घाट उतार कर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था और अब अफवाहें थी कि वो यस्सु नासी को भी खामोश करने का इरादा रखता था इसलिए मुगजलूका के अंजील में लिखा है के बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से रवाना हो क्योंकि हरदीस तुझे कत्ल करना चाहता है अभी भी यीशु के पास चुनाव था कि या तो मौत से बचने के लिए खुफिया रहे या फिर मौत का सामना करे लेकिन मौत को देखकर यीशु अपना रास्ता बदल नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करना उसके बाप की मर्जी के खिलाफ था खुदा यसुमसी यहूदियों के साथ समझौता करके उनसे बच भी सकता था मगर मसीह की स्लीप पर मौत तो एक इलाही मंसूबा था जो पूरा होना लाजमी था और बाप के मंसूबा को पूरा करना बेटे के नज़दीक अवलीन तरजीह थी और इसलिए वो अपने आप को बाप की मर्जी के ताबे कर देता है मौत बल्कि स्लीपी मौत तक फर्माबरदार रहता है और यकीन यसु ने यह सब कुछ हमारी निजात के लिए अपनी जान पार बर्दाश्त किया ताकि हमको बाप के पास ले जा सके ताकि हमारी निजात के काम को पाए तकमील तक पहुंचा सके क्योंकि अगर यसु स्लीप पर ना मरता तो नबियों की सापेशन गोईयाँ झूठी होती बाप की मर्जी और इरादा अधूरा रह जाता हमारे लिए अब जी जिंदगी का दरवाज़ा कभी ना खोलता अज़ीज़ बार बहनों यसु की सलीम जो पहले मौत का निशान थी हलाकत का निशान थी अब यही सलीम यसु की कुर्बानी के बाद मुआफी निजात फतेह फखर और ज़िंदगी का निशान बन गई मसीम ख़ुदान के वसीले से आमीन बाप और बेटे और खुदस के नाम में आमीन